आप लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या है, हमारे पास कंबसन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है हमारे पास वो फ्यूल होना चाहिए। तो फ्यूल में क्या ले रहे हैं, कैंडल ले रहे हैं। फिर आपने पढ़ा है कि इग्निशन टेम्परेचर, जब तक इसको आप हीट नहीं करेंगे इग्निशन टेम्परेचर तक, तब तक आपको ये जलना स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास एक मैच स्टिक है और इस मैच स्टिक से इसको हम यहाँ पर जला रहे हैं कैंडल को, ठीक है। तो कैंडल जलने लगी, अब देखिए अभी तक इसका जो वो है मुंह है बच्चों ये खुला हुआ है, तो यहाँ से एयर इसमें पास हो रही है। हमने यहाँ पर क्या किया, वाटर लेवल को थोड़ा मार्क कर लिया है। तो वाटर लेवल को हमने यहाँ मार्क कर लिया है कि यहाँ तक आपका पानी भरा है। इसके ऊपर क्या है बच्चों, एयर है। क्या है, एयर, एयर है। अब क्या करते हैं इसको हम यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करेंगे, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कैंडल आपकी बुझना स्टार्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे क्यों बुझ रही है, क्योंकि इसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर वेपर है, और जब वो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों जलेगा तो जो ऑक्सीजन है पूरी वो उसको कैप्चर कर लेगा, और जो खाली जो जगह है उसमें कुछ वाटर आपका राइज कर जाएगा। तो यहां से इसको हम इस एक्टिविटी करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करेंगे, जिससे प्रूफ होगा कि कंबसन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ये हम यहाँ से इसको कट ऑफ कर रहे हैं। तो आप देखिए अभी कैंडल जो है जल रही है, धीरे धीरे इसका जो फ्लेम है वो डिक्रीज होगा, और उसके बाद कुछ देर के बाद वो कैंडल आपकी देखिए बुझने स्टार्ट हो गई है और अब ये बुझ जाएगी। तो यहाँ देखिए पानी में आपका हिल रहा है, पानी भी राइज कर रहा था। हाँ, तो यहाँ देखिए इस तरीके से पूरा जो ऑक्सीजन था, बिना ऑक्सीजन की फ्लेम नहीं हो सकती, डिकम्बसन नहीं हो सकता।